हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग स्ट्रेस ये दोनों का अंदर रिलेशन को डिराइव करेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं। मान लीजिए ए एक बीम है, ठीक है। तो इसमें यहाँ मान लीजिए सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ कुछ कुछ लोड है, ठीक है। आप लोग तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स चैप्टर पढ़ ही लिए हैं, तो उस हिसाब से आप लोग ये सेक्शन 1 1 पर बेंडिंग मोमेंट तो आप निकाल ही सकते हैं। मान लीजिए इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हुआ एम बी, बेंडिंग मोमेंट इसलिए एम बी। तो देखिए, इस बेंडिंग मोमेंट के लिए मटेरियल के अंदर एक रेजिस्टिव मोमेंट भी डेवलप होगा। तो आइए उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि मटेरियल फेल होने का आगे तक रेजिस्टिव मोमेंट और यहाँ बेंडिंग मोमेंट दोनों इक्वल होता है। तो हम लोग पहले रेजिस्टिव मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे और वही रेजिस्टिव मोमेंट ये बेंडिंग मोमेंट के साथ इक्वल हम कर देंगे। तो आइए इस बीम का क्रॉस सेक्शन को देखते हैं। क्रॉस सेक्शन को मैं थोड़ा बड़ा करके ड्राइंग करता हूँ। तो ये मान लीजिए बीम का क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड अगर यहाँ होगा तो इस सेंट्रोइड से ही न्यूट्रल एक्सिस पास करेगा। तो इसको मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। अब कोई भी लेयर को ले लीजिए, मान लीजिए ये एक तो लेयर है जो कि न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है। तो इस लेयर पर कितना बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो तो हम लोग कैलकुलेट पहले वीडियो में कर चुका हूँ। उसका वैल्यू है सिग्मा वी इक्वल टू ई बाई आर इंटू वाई, ठीक है, जहां आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम, ठीक है। तो इस लेयर पर हम लोगों को बेंडिंग स्ट्रेस मिल गया। और इस लेयर का अगर एरिया है डी ए, लेयर का नहीं, लेयर का क्रॉस सेक्शन का एरिया अगर डी ए है, तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा जो कि रेजिस्टिव फोर्स है, या आप उसको एक्सियल थ्रस्ट भी बोल सकते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसको हम स्मॉल डी एफ लिखते हैं। तो डी एफ इक्वल टू होता है स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस का वैल्यू ई बाई आर इंटू वाई इंटू डी ए, ठीक है। ये हो गया फोर्स। अब देखिए इस फोर्स के वजह से अबाउट न्यूट्रल एक्सिस एक मोमेंट, यानी जिसको हम रेजिस्टिव मोमेंट बोलते हैं, वो डेवलप होगा। और उस मोमेंट को हम लोग एम आर लिखते हैं, अच्छा स्मॉल डी एम आर लिखते हैं, क्योंकि स्मॉल एरिया के लिए हो रहा है अभी। आर क्यों है, क्योंकि रेजिस्टिव मोमेंट है। तो रेजिस्टिव मोमेंट क्या होगा, रेजिस्टिव फोर्स इनटू न्यूट्रल एक्सिस से उस लेयर का डिस्टेंस जो है वाई। अच्छा ये रेजिस्टिव मोमेंट किसका अबाउट है, ये न्यूट्रल एक्सिस का ही अबाउट है। तो यहाँ से हम लोगों को रेजिस्टिव मोमेंट मिल जाएगा और उसका वैल्यू ये होगा ई बाई आर वाई स्क्वायर डी ए। ये तो स्मॉल पोर्शन के लिए हुआ। अगर पूरा क्रॉस सेक्शन के लिए हम लोग मोमेंट, रेजिस्टिव मोमेंट निकालने जाएंगे तो उस केस में रेजिस्टिव मोमेंट का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर, और ये होता है ई बाई आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। इंटीग्रेशन वाई का एकदम बॉटम से टॉप तक, मतलब वाई बॉटम टू वाई टॉप, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से आप देखिए, ये क्या है, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो इसको हम आई से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को जो मिला एम आर इक्वल टू ई बाई आर इंटू आई, और ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और हम पहले ही बोल चुका था ये जो रेजिस्टिव मोमेंट ये तो बेंडिंग मोमेंट का इक्वल ही है, तो हम रेजिस्टिव मोमेंट की जगह बेंडिंग मोमेंट बैठा सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टिव मोमेंट क्यों डेवलप हुआ था, बेंडिंग मोमेंट के लिए ही डेवलप हुआ था। तो यहां से हम लिख सकते हैं एम बी इक्वल टू ई बाई आर इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को मिलता है एम बी बाई आई इक्वल टू ई बाई आर,
अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी तो एक चीज हम लोग को जानते थे पहले से, जो कि सिग्मा बी बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ इस तीनों को हम इक्वेट करके एक फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं, वो है एम बी बाई आई इक्वल टू सिग्मा बी बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।